आज दिल्ली में लगभग 74,000 टोटल कोरोना के केस हो चुके हैं। 74,000 काफ़ी केसेस हैं, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं यही कहूँगा कि अभी स्थिति काबू में है। चिंता की बात है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब दिल्ली चौंका रही है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली अब कोरोना संक्रमण का ग्लोबल हब बनने वाला है। बिल्कुल सही सुना। इतना ही नहीं, दिल्ली के नाम एक और रिकॉर्ड होने वाला है। दरअसल दिल्ली ने अब 167 देशों को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि दिल्ली में अब जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो संक्रमण के हों या मौत के आंकड़े हों, यह आंकड़े अब 167 देशों से आगे हैं, सिर्फ दिल्ली। दरअसल जॉन हॉपकिंग्स यूनिवर्सिटी ने एक आंकड़ा निकाला है जिसके अनुसार दिल्ली एनसीआर में मरने वालों की संख्या 23 जून तक यानी कि आज से 3 दिन पहले तक 2584 थी, जो कि 166 देशों से ज़्यादा है। और इन 166 देशों में सिर्फ छोटे ही देश नहीं हैं, बल्कि इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है, जापान, इजिप्ट भी अब दिल्ली एनसीआर से पीछे हो गए। इतना ही नहीं, दिल्ली अब चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। वहाँ भी जो मामले हैं वो आसपास ही हैं चीन के, टोटल मामले के लगभग ही अब हमारा दिल्ली का भी मामला हो चुका है। यानी कि दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं।